शिवराज कैबिनेट की आखिरी बैठक के बाद आईएएस वीरा राणा ने मध्य प्रदेश मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण किया। चुनाव आयोग की सहमति के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने बुधवार शाम वीरा राणा को मुख्य सचिव का प्रभार देने का आदेश जारी किया था। आईएएस वीरा राणा मुख्य सचिव का पदभार संभालने वाली दूसरी महिला है। आखिरकार इकबाल सिंह बैस को मुख्य सचिव का पद छोड़ना पड़ा और वीरा राणा मध्य प्रदेश की नई मुख्य सचिव बनाई गई हैं। 1988 बैच की राणा को मुख्य सचिव पद का प्रभार देने का आदेश कल ही जारी हो गया था। राणा ने गुरुवार को प्रदेश के मुख्य सचिव पद का पदभार ग्रहण कर लिया। मंत्रालय में विशेष बैठक आयोजित कर इकबाल सिंह को विदाई दी गई और वीरा राणा का स्वागत किया गया। इस मौके पर ACS सहित सभी विभागों के मुख्य सचिव एवं महत्वपूर्ण अधिकारी मौजूद रहे। वीरा राणा का जन्म उत्तर प्रदेश में 26 मार्च 1964 को हुआ था। वो वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा मंडल की अध्यक्ष हैं और उनके पास कृषि उत्पादन आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार है। इसके साथ साथ उन्हें मुख्य सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। चुनाव आयोग ने वरिष्ठता के आधार पर वीरा राणा के नाम पर सहमति दी। वो मार्च 2024 में सेवानिवृत्त होंगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।